पहले दस. अच्छा ठीक, ये एक मार्कर है. ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि उस बंदे को हम विजुलाइज करेंगे कि वो कैसा होगा. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो अच्छी लगेंगे. अच्छा, लेकिन मैं पता है अब शायद मुझे लोग बोलेंगे यार ये पत्नी क्या बात कर रही है, मुझे शादी नहीं करनी है. लेकिन मैं फिर भी आपके लिए फील क्या कहा है आपने, सब कुछ फील कर रही. नहीं, आपने अभी कुछ कहा है पर ना मुझे शादी नहीं करनी. किससे? किसी से भी, कभी कभी भी, कभी भी, कहीं भी. नॉट जोर से हंसे इस पे. क्या है? मेरे को जोर से हंसे इस पे. क्यों इतने सब मुझे सब ये बोलते हैं. तुम पता है उन लड़कियों में से है ना जो अपने घर वालों से लड़के शादी कर लेगी. हाँ. तो तुम तो ये ना ही बोलोगे तुमने नहीं करनी. आप उनमें से होगी शायद जो ये रात को कहेंगे सुबह मैं शादी कर लेंगे. हाँ. लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ, लेकिन मुझे 3-4 महीने पहले ऐसा लगने लग गया है कि मैं नहीं कर सकती शादी. वजह? वजह बहुत सारी है, बैठ के बात करेंगे. अब हर जगह ना ये ना मुझे टेम्पटेशन देती है कि बैठ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं ताकि हम बात कर लें. चल जल्दी से इसको, अच्छा जल्दी से इसको फिल करो ताकि हम बैठ लें. मेरा हीरो जोरू का गुलाम या मम्मी डैडी बच्चा? मम्मी डैडी बच्चा. कौन सा? जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम. वेरी गुड, गुड चॉइस. रंगीन मिजाज या शर्मीला? शर्मीला. शर्मीला. हाँ. अच्छा, शाखर काबू में रहेगा. शाखर या कंजूस? शाखर ऑब्वियसली. प्यार करने वाला, पैसे वाला? पैसे वाला. मेरे दिलों की बात की नहीं की. गुड. अच्छा जी, और क्या? नखरे उठाने वाला है अपनी मनवाने वाला? हाँ, नखरे उठाने वाला. ठीक है. एक्टर या डॉक्टर? डॉक्टर. वाह, वेरी गुड. तो हमें एक बात तो पता चल गई कि कोई डॉक्टर जितने हैं वो रिश्ता भेज सकते हैं. हाँ, बाकी और कोई नहीं. अच्छा, इंडिपेंडेंट या नहीं? इंडिपेंडेंट. हाँ. या ये अशफाक अरबी के खूबसूरत से स्पेलिंग जो है उनको माफ नहीं है. अच्छा चलिए, इंडिपेंडेंट. हाँ, ये सही, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है. और क्या? डाइट कॉन्शियस है? खाने का शौकीन? खाने का शौकीन. यानी इतना हो जाए वो हिना के साथ ऐसे ऐसे करके चला कर. लेकिन खाने के शौकीन तो मैं भी हूँ, लेकिन जरूरी कि आप जो बिरयानी खा रहे हैं आप उसको जिम में जाके फिर बर्न करें पूरा 2 घंटा बैठ के. तो अगर वो गरीब ना बर्न कर सके तो फिर उसका क्या बनेगा? कुछ मुझे खिला लिया करो, उसके हिस्से का मैं खा लूंगी. ठीक है, डन. अच्छा जी, दिल का साफ या रंग का साफ? साफ. रंग का साफ. यार दिल अच्छा कर लेंगे. दिल अच्छा कर लेंगे. ये दो चीजें बड़ी कमाल है कि दिल साफ कर लेंगे, कोई इसके लिए फैक्ट्री कारखाना देखा. शादी नहीं करेगी तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर हो जाएगी तो बोलूंगी यार देखो दिखने में तो अच्छा है, दुनिया वालों को दिखना चाहिए कि हमारी शादी सही चली, तुम गुड लुकिंग हो, मैं भी गुड लुकिंग, साथ अच्छे लग रहे हैं. बस इतना ही काफी है. बस इतना काफी है. ओके गुड, चलो बैठ के बात करेंगे. ये लेकिन ये बता दो कि इसका चेहरा कैसा बनाओगे आप? नाक कैसा होगा? ये हमारे खूबसूरत से एक्टर्स हैं पाकिस्तान के सारे, जिनके लोग बड़े फैन हैं. लड़कियां मरती हैं, फिदा है, जान देती हैं इनके ऊपर. किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा, किसी की पता नहीं क्या क्या चीजें और अच्छी लगती हैं. बाल अच्छे लगते हैं, स्माइल अच्छी लगती है. आपको जिसका जो अच्छा लगता है वो आप इसमें हमें जरा बताओ. अच्छा, बाल मुझे लगता है कि एहसन और फवाद दोनों के बहुत अच्छे हैं. ठीक है, लेकिन लेंगे हम आई थिंक एहसन के ले लेते हैं बाल. एहसन के बाल ले लेते हैं. हाँ, एहसन के बाल ले लेते हैं. ओके, सो एहसन के बाल जो है वो हमने पिक किए, लेकिन दूल्हा बेचारे ने तो पगड़ी पहनी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम उसके बाल बना देंगे आपको. तो बाल होने चाहिए उसके एहसन की तरह के. डन. और क्या होगा? और आई थिंक ये भी ले लेते हैं, पैच बालों का. ठीक है, ताकि वो पूरा हो जाए. ताकि वो पूरा हो जाए. और एहसन की तरह बालों का क्या मतलब है जरा? मुझे ऐसा लग रहा है कि फवाद के मैं बालों को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ब्लो ड्राई करके बालों में एक फ्लफ आ रहा है. एहसन का मुझे लग रहा है कि शायद नेचुरली इनके ऐसे बाल हैं. अब पता नहीं हो ऐसा ना हो. अब नेक्स्ट क्या है? अब क्या? आई थिंक आईज. आईज, ग्रीन आईज उसे प्यारी होती है, लेकिन सुना है कि धोखा बहुत देती है. अरे हर आंखें, हर आंखों वाले ही धोखा देते हैं. तो फिर फवाद की आंखें ले लेते हैं. लड़कियों को फवाद क्योंकि पसंद है. नहीं, लड़कियों को छोड़िए, आपको क्या पसंद भाई है? परा, मैंने पहले ही बताया ना यार, लड़का सामने खड़ा हो लोगों को दिखाना है यू गुड लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग, तब लोगों की डिमांड पे चलूंगी मैं. ओ वेरी गुड, सही. सो लड़कों को दिखाना है कि यू आर गुड लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग, बाकी सब ठीक है. तो आंखें आ गई फवाद की. क्या एक खूबसूरत एक्सप्रेसिव आईज. आई एम अ ग्रेट एडमायरर. हां, किधर ले जाऊं दूल्हे को मैं? साथ ले जाऊं? ये ओके चैलेंज है ना, दूल्हा आपका और मेरी तरफ मोड़ते जा रहे हैं. हाँ, वैसे मुझे नाक नक्श का इतना पता नहीं है, इतना सेंस नहीं है फरा, लेकिन आपने फवाद का ही नाक पिक किया.
हाँ नाक भी मुझे लग रहा है कि फवाद का ही सही है। ठीक है, सो आधा सर है वो फवाद हो गया और आधा सर मुझे लग रहा है कुछ निकल तो रहा है। ये भी फवाद का ही फेस लगा है? ये हाँ फवाद का ही लगा दिया है। ओके सो अब क्या रह गया? तो उसकी कुछ चिन कुछ वैसे कुछ टर्की टाइप लड़का नहीं लग रहा है? टर्की टाइप से आया हुआ, तुर्की से आया हुआ कोई लड़का। मैंने सोचा भी था, मैंने कहा मेरी अगर शादी होगी ना मैंने कोई लड़का मंगवाना है टर्की से या मैं चली जाऊंगी टर्की ताकि एटलीस्ट मेरे बच्चे प्यारे हो। अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं। अब सोचे देखो ऑप्शन मैंने रखे हुए कि अगर हुई तो इसलिए कि बच्चे प्यारे हों, अगर की तो इसलिए कि वो मेरे साथ गुड लुकिंग लगे, थोड़ा अच्छा एक कपल लगे, तो उसके अलावा कोई वजह नहीं है उस करने की। बिल्कुल इस बेचारे का मुंह बाकी का कुछ मुकम्मल। अच्छा मुझे लगता है कि अब्बासी का ले लें लेकिन वो बहुत ही डिसफंक्शनल हो जाएगा। अच्छा हम हमजा की दाढ़ी चलेगी या फिर आई थिंक एहसन का? एहसन की है, अफवाद की भी है बेचारे की, उसकी अपनी चिन भी है लेकिन नहीं जी हमें थोड़ी सी। अरे फरा क्या बात है, अच्छा ऐसा नहीं है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही अजीब सी कोई शक्ल बन के आई, थोड़ी बेहतर बड़ी बड़ा डिफरेंट बैलेंस। और अल्लाह करे कि ऐसा कोई बंदा जो है वो कहीं हो मौजूद जो कि देख रहा हो और वो कहे अच्छा तो मैं हूँ हिना, आई एम द वन। अगर कोई आ गया किसी दिन उससे कहा कि हिना तो जवाब क्या होगा? मैं बोलूंगी तो you're good looking, I'm good looking, हम दोनों अच्छे लगेंगे तभी से हम शादी कर लेते हैं। हाँ? नहीं फरा, I'm being very honest on show. मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी है जिंदगी में आज शादी करना। हाँ बैठ के बात करते हैं। आओ बैठो जल्दी से बैठो ताकि आप मुझे बता सको कि क्या अच्छा शादी करने में क्या जिम्मेदारी है भाई। आपको तो पैसे वाला चाहिए वो जिम्मेदारी उठाएगा। हाँ. आपको तो नखरे उठाने वाला चाहिए वो नखरे भी उठाएगा। फिर आप डॉक्टर से शादी कर रही हैं वो इलाज भी कर देगा। यही मजे हैं। पढ़ा लिखा आदमी वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता है। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हमेशा एक बेहतर इंसान हो सकता है एज कम्पेयर टू किसी भी जाहिल या अनपढ़ इंसान। तो आपने चीजें बड़ी अच्छी सिलेक्ट की है, शर्मिला भी होगा और औरतों से शर्माता रहेगा तो आप कोई चक्कर भी नहीं ऐसा चलेगा। और क्या है जोड़ू का गुलाम भी होगा भाई और क्या चाहिए। पता है क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब किसी भी शो पे जाती हूँ ना तो वहाँ मैं किसी और शो पे भी बैठी हुई थी तो वहाँ पे भी जो पॉलिटिशियन हमारे साथ बैठे हुए थे वो मुझे पूरा कन्विंस कर रहे थे कि मैं बस किसी तरह शादी उनसे तो शादी के लिए ऑब्वियसली नहीं शादी के लिए हाँ कर दूँ इन जनरल के शादी करनी चाहिए। अभी जैसे मैं उस शो पे भी ये बता रही थी फरा मैं अभी भी बताऊँगी कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा शो करती हैं आप खुद यू नो आपके दो बेटे हैं उनको लेके साथ चलना। तो एक मॉर्निंग शो से कॉल आई कि है ना हम आपकी तरफ से एक छोटी सी वीडियो चाहते हैं हम खवातीन की शादियां करवा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप उस चीज़ को सपोर्ट दें। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो चलो मैं बना कर अगर दे भी दूं लेकिन मेरे एंड से मुझे लगता है कि जो इतना पैसा इतना ब्रांड का पैसा जो लग रहा है वो आप शादियों में लगा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर कोई 10 या 11 लड़कियां पकड़ के उनको पढ़ा लिखा के उनको अपने पांव पे खड़ा कर दें वो लड़की तो क्या कुछ करेंगी आपके मुल्क के लिए अपने लिए अपने आने वाले बच्चों के लिए एक पूरी नस्ल लेके चलेंगी। लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं शादियां करवाने में। मुझे नहीं समझ आता हम अच्छे कपड़े जूते मेकअप से कब बाहर आएंगे यार। हाँ, नहीं आएंगे इसलिए नहीं आएंगे सही ही होता है सही होता है। आपको पता है हमारी लड़कियां जो है पढ़ लिख के डॉक्टर बनती हैं पूरी दुनिया में और वो एक्सेल करती हैं अपनी अपनी फील्ड में। बिल्कुल हमारे यहाँ डॉक्टर बनती हैं और फिर वो शादी करती हैं। नहीं डॉक्टर बनती हैं सिर्फ पता है क्यों लेकिन जितनी लड़कियां मेडिकल पढ़ रही हैं सबको सलाम है भाई बहुत मुश्किल पढ़ाई है आप लोगों की। लेकिन एक हमारी एक अच्छा रिश्ता आएगा इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी टीचर थी लड़कियां तो डॉक्टर बनती इसलिए ताकि शादी में बता सके सो व्हाट आर यू डूइंग बेटा आई एम अ डॉक्टर ये करने के लिए सही और फिर शादी हो जाती है सही। अच्छा आपने अभी घुमाई है थोड़ी सी बात ये नहीं बताया प्रिसाइज दी कि आपने क्यों नहीं शादी करनी। पूरी दुनिया शादियां कर रही है अच्छा चलो नहीं अच्छी बात बड़ी शादी हो रही है लोगों क्यों नहीं करनी जहाँ पे देखो उसकी भी शादी हुई तो उसकी भी शादी हो रही है। अच्छा। आप क्यों इससे इतना भागती हो? फरा मुझे ऐसे झगड़ लिया मैं यूं भी नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा कोई दिल टूटने का किस्सा है कोई कोई आपको लगता है मुझे ऐसी लड़की कोई दिल तोड़ेगा मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं पकड़ के अच्छा चलो अल्लाह करे कि आपका ईमान जो है वो ऐसे ही सलामत रहे और कोई जो है वो ये हिम्मत और जुरत या ना कर सके। हाँ। अच्छा लेकिन फिर क्या वजह? अच्छा मैं बताती हूँ क्या वजह है क्योंकि हो सकता है शायद मेरे एक्सपीरियंसेस में ऐसी चीज आई है। हाँ। या मैं ऐसा देखती हूँ। पहली बात ये कि एक मेरी ना
लोगों को बजाहिर लगता है कि है ना अच्छी लड़की यार बुरी आदतों में नहीं।